इन दिनों सर्दी के कहर में आश्रयहीनों पर मेरा दर्द ना जाने कोई गीत पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। खुले आसमां के नीचे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ऋषिकेश में हजारों गरीब साधु और मजलूम ठंड से ठिठुर ठिठुर कर रातें गुजार रहे हैं, लेकिन शायद प्रशासन अभी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। पहाड़ी अंचलों में जबरदस्त बर्फबारी के बाद पूरा उत्तराखंड जबरदस्त रूप से शीतलहर की चपेट में है। मणिकुट पर्वतों की तलहटी में बसे ऋषिकेश में भी हाड़ कपकपाने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। जहां बंद कमरे में रजाई और कंबल में भी ठंड पीछा नहीं छोड़ रही है, ऐसे में सड़क पर रात गुजारने और फुटपाथ पर सोने वालों की कल्पना सहज की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्यजनक यह भी है कि पालिका के अधिकारियों को आश्रयहीनों और गरीब तबके के लोगों की कोई फिक्र ही नहीं है। रैन बसेरा क्या होता है तीर्थ नगरी में खुले आकाश के नीचे ठंड में ठिठुर ठिठुर कर रात बिताने वालों को मालूम ही नहीं है। सर्द हवाओं में हर आदमी बेहाल है। गरीबों मजलूमों और आश्रयहीनों के लिए बढ़ती सर्दी का सितम कहर बनकर टूटा है। शहर में अब तक अलाव तक की व्यवस्था पालिका अधिकारी नहीं कर पाए हैं। हालांकि पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव दावा कर रहे हैं कि शहर में तीनों स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है और रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय को रैन बसेरे के रूप में उपयोग में लाने की कवायद की जा रही है। लेकिन अधिशासी अधिकारी के दावे पर परख के लिए जब शुक्रवार की रात शहर का मुआयना किया गया तो यह तमाम दावे खोखले नजर आए। सड़कों किनारे दुकानों की ओट में आश्रयहीन कपकपाते हुए रात बिता रहे थे। कुछ यही हालात रेलवे स्टेशन की भी थी। त्रिवेणी घाट पर गंगा किनारे कपकपाने वाली ठंड में ठिठुर रहे आश्रयहीनों के लिए तो एक पल भी काटना भारी पड़ रहा था। विडंबना देखिए, शहर की तमाम धर्मशालाएं ऑफ सीजन के चलते खाली पड़ी हैं, लेकिन इन मजलूमों और आश्रयहीनों की किसी को फिक्र ही कहां है। ऋषिकेश से क्राइम स्टोरी के लिए अमित सूरी की विशेष रिपोर्ट। अलाव जो है पूर्व निर्धारित तीन स्थल पर त्रिवेणी घाट, रोडवेज बस अड्डा और रेलवे स्टेशन के सामने नियमित रूप से जलाया जा रहा है। रैन बसेरे की स्थिति नहीं थी, लेकिन इसमें जो रैन बसेरे है तो रोडवेज स्टेशन पर प्रतीक्षालय को रैन बसेरे में कन्वर्ट करने हेतु तो, सहायक अभियंता नगर निगम ऋषिकेश को पूर्व में ही अधिकृत किया जा चुका है और प्रस्ताव के स्तर पर